नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं एस्ट्रोलॉजर माधव शर्मा खुश जीवन राशि फल के यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। 18 मई 2022 वार बुधवार के पंचांग को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं। अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, और जिन्होंने हमारा खुश जीवन राशि फल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और खुश जीवन की राशि फल की एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करें और देखते रहें डेली पंचांग, डेली राशिफल, मंथली राशिफल, ईयरली राशिफल और ईष्ट भगवान से संबंधित सभी जानकारी। आइए पंचांग शुरू करने से पहले जानते हैं किन देवी देवताओं की पूजा विशेष शुभ और लाभप्रद मानी गई है। आज भगवान गणेश की पूजा विशेष शुभ और लाभप्रद मानी गई है। आइए अब हम शुरुआत करते हैं अपने पंचांग की। बार बुधवार, विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944, माह ज्येष्ठ माह, पक्ष की बात करें कृष्ण पक्ष, तिथि तृतीया तिथि, नक्षत्र की बात करें ज्येष्ठा नक्षत्र जो कि सुबह 8:09 तक रहेगा, उसके बाद मूल नक्षत्र शुरू हो जाएगा। दोनों ही नक्षत्र गंड मूल नक्षत्रों की श्रेणी में आते हैं। इन नक्षत्रों में उत्पन्न हुए जातकों की मूल शांति अवश्य करानी चाहिए। योग की बात करते हैं, सिद्ध योग शाम 6:44 तक रहेगा, उसके बाद साध्य योग प्रारंभ हो जाएगा। दोनों ही योग अत्यंत शुभ योग माने गए हैं। करण की बात करें, वणिज करण दोपहर 1:18 तक रहेगा, उसके बाद वेष्टीकरण प्रारंभ हो जाएगा। वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण, इन पांचों से मिलकर पंचांग का निर्माण होता है। आइए अब हम बात करते हैं सूर्य और चंद्र से संबंधित गणनाओं की। सूर्योदय प्रातः 5:33, सूर्यास्त शाम 7:02, सूर्यदेव वृष राशि के अंदर गोचर कर रहे हैं। चंद्रोदय जो कि रात को 9:52, चंद्रास्त की बात करें अगले दिन सुबह 8:09। चंद्र राशि की हम बात कर लेते हैं तो सुबह 8:09 तक चंद्रदेव वृश्चिक राशि में रहेंगे जो उनकी नीच की राशि है, उसके बाद चंद्रदेव धनु राशि के अंदर प्रस्थान करेंगे। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगलदेव माने गए हैं और धनु राशि के स्वामी जो है देवगुरु बृहस्पति हैं। आइए अब हम बात करते हैं शुभ समय की। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त, अपने ईष्ट देव की आराधना, उनका मंत्र जप, मंत्र सिद्धि के लिए ब्रह्म मुहूर्त अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ब्रह्म मुहूर्त की बात करें सुबह 3:56 से सुबह 4:44 तक ब्रह्म मुहूर्त रहने वाला है। अगर हम कोई भी शुभ कार्य शुरू करना चाह रहे हैं, कोई महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो हम उसे अभिजित मुहूर्त में भी शुरू कर सकते हैं। अगर हम बात करें अभिजित मुहूर्त को लेकर तो आज के दिन कोई भी अभिजित मुहूर्त नहीं है, यानी अगर आपको कोई भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत करनी है तो आप अपने उस शुभ कार्य को शुभ लग्नानुसार और शुभ चौघड़िये देखने होंगे। आइए बात करते हैं दिन के चौघड़िये की। शुरुआत करते हैं हम सूर्योदय से। लाभ का चौघड़िया सुबह 5:33 से सुबह 7:14 शुभ समय है। लाभ के बाद अमृत 7:14 से 8:55 शुभ समय है। अमृत के बाद काल 8:55 से 10:36 अशुभ चौघड़िया है। काल के बाद शुभ 10:36 से 12:17 शुभ समय है। शुभ के बाद रोग 12:17 से 1:58 अशुभ चौघड़िया है। रोग के बाद उद्वेग 1:58 से 3:39 अशुभ चौघड़िया है। उद्वेग के बाद चर 3:39 से शाम 5:20 सामान्य समय है। चर के बाद लाभ शाम 5:20 से और शाम 7:02 तक रहने वाला है। इन सभी चौघड़ियों में शुभ, लाभ और अमृत, ये तीनों चौघड़िये अत्यंत शुभ माने गए हैं। रोग, काल और उद्वेग, इन तीनों चौघड़ियों को अशुभ चौघड़ियों की संज्ञा दी गई है। चर का चौघड़िया सामान्य समय है। आइए अब हम बात करते हैं अशुभ समय राहु काल और गुलिक काल की। देखिए ज्योतिष शास्त्र में इन दोनों समय को अशुभ समय मानते हैं, यानी कोई भी महत्वपूर्ण कार्य, कोई भी शुभ कार्य, कोई भी शुभ यात्रा हम राहु काल में शुरू नहीं करते हैं। राहु काल की बात करें दोपहर 12:00 से लेकर और 1:30 तक राहु काल रहेगा। अगर हम गुलिक काल की बात करें सुबह 10:30 से लेकर दोपहर 12:00 तक गुलिक काल रहने वाला है। आइए अब हम बात करते हैं दिशाशूल, यानी आज के दिन किस दिशा में आपको यात्रा नहीं करनी चाहिए। आज के दिन का दिशाशूल है उत्तर दिशा। फिर भी जातक अगर उत्तर दिशा में यात्रा कर रहा है तो यात्रा करने से पहले दिशाशूल का परिहार अवश्य करें, यानी आज यात्रा से पहले तिल से बने हुए पदार्थों का सेवन अवश्य करें ताकि यात्रा के अशुभ फल प्राप्त न हो। आइए बात कर लेते हैं चंद्रबल यानी आज की शुभ राशियों की। तो मिथुन राशि, कर्क राशि, तुला राशि, धनु राशि, कुंभ राशि और मीन राशियां आज शुभ रहने वाली हैं। आइए अब हम बात करें आज जो भी जातक जन्म लेंगे उनकी जन्म राशि, नाम अक्षर और जन्म पाएगी। तो आज जो भी जातक जन्म लेंगे सुबह 8:09 तक उनकी वृश्चिक राशि, उसके बाद उत्पन्न हुए जातकों की धनु राशि, नाम अक्षर रहेंगे यू, ये, यो और भ।
जन्मपाई की बात करें तो इनका सभी का ताम्र का जन्मपाया रहने वाला है। धन्यवाद।